Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sejal and I'm back with a very new video. So I know बहुत time बाद मैं video upload कर रही हूँ YouTube पे and बहुत time बाद मैं एक video record कर रही हूँ YouTube के लिए. So today I am making a Q&A video. I know मैं हमेशा एक Q&A video के साथ आ जाती हूँ अगर मैं बहुत time बाद upload कर रही होती हूँ, but this is because I've been getting a lot of questions regarding a lot of things. So in order to you know answer your questions, I decided to make a Q&A video जिसमें मैं आप सबके मैंने एक Instagram पे स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने सबको बोला था कि आपके जो भी questions हैं you can send me and मैं उस मतलब almost जितने भी मैं questions को cover up कर पाऊँगी I'll try to cover up. So मैंने कुछ questions लिए हैं, I have these questions with me, so let's see. कुछ फनी भी क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे करियर से रिलेटेड भी हैं एंड कुछ थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस भी हैं. सो वी गोना सी व्हाट वी गोना आंसर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ऑन माय लिस्ट इज हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी. सो टॉकिंग अबाउट हाउ डिड आई स्टार्ट माय जर्नी, well I was around 4 or 5 years old when I knew what I wanted to pursue in life, what I wanted to do in life. I wanted to become a role model for people. I wanted to inspire the youth of today, I wanted to inspire the young generation. That is how having a desire in mind is very important. So I had that desire in my mind from a very young age. So wahan se meri journey ki start hui by knowing what I want to do in life. So your purpose, your goal, your aim should be clear to you in order to start your journey. That is very important. So yeah. All right, so the next question that I have on my list is how can I ask you for a picture when how can I ask you for a picture with you in workshops? For asking me for pictures, just come up to me. I'm a very friendly person and I'm a very convivial person. आप मेरे पास आओगे, मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर लूँगी, मैं बहुत प्यार से आपके साथ फ़ोटो भी खिंचवा लूँगी एंड मैं आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराऊँगी. इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. जस्ट कम अप टू मी इफ़ यू स्पॉट मी, कम अप टू मी एंड से हाय, लेट मी नो एंड इफ यू वॉन्ट अ पिक्चर बस बता दो दैट आई वॉन्ट अ पिक्चर विद यू एंड विल टेक अ पिक्चर, विल हैव अ पिक्चर. दैट्स इट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम और वर्कआउट रूटीन. ओके, सो सबसे पहली बात, मैंने जिम बहुत स्टार्टिंग में किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेशनल्स एंड वो भी मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 2 या 3 मंथ्स के लिए किया था. देन आई स्टॉप्ड गोइंग टू जिम. फिर मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था. सो एंड मैंने जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ फॉर लेटिंग यू गाइज नो कि मैं जब भी जिम गई हूँ, जितना भी टाइम गई हूँ, मैंने कभी भी वेट्स नहीं मारे, वेट ट्रेनिंग नहीं की है. मैंने हमेशा नेचुरल ट्रेनिंग किया. आई यूज़ टू स्ट्रेच माई बॉडी, आई यूज़ टू हैंग ऑन द रोप्स. वो होता है ना मंकी बार, मंकी क्लाइंबिंग कर लेती थी एंड देन आई यूज़ टू डू क्रंचेज इन ऑल. दीज आर माई परमानेंट एक्सरसाइज जो मैं घर पर भी, अगर मैं घर पर अब मैं घर पर वर्कआउट करती हूँ तो मैं घर पर भी यही करती हूँ. सो माई वर्कआउट रूटीन इज़ वेरी सिंपल. आई मेनली फोकस ऑन माई कोर एंड समटाइम्स फुल बॉडी वर्कआउट. तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं. सो इफ़ यू नीड देम यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल माय एक्सरसाइज रूटीन, लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद इट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स दैट डिम्पल लाइक थिंग ऑन योर चीक दैट हैज मेड मी फॉल फॉर यू, इज इट नेचुरल? ओके, सो दिस इज माई नेचुरल डिम्पल विच इज़ नॉट अ डिम्पल. इसके पीछे एक कहानी है. सो बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, ओनली माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू मी. सो दिस इज़ नॉट अ डिम्पल, ये चोट है. आई गॉट हर्ट व्हेन आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड. आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क बिकॉज मैं शुरू से ही खेलने की बहुत शौकीन रही हूँ. सो मेरे को खेलना बहुत पसंद है. मैं बहुत नॉटी बच्ची हूँ, बहुत नॉटी थी, अभी भी बहुत नॉटी हूँ एंड मेरे को शरारतें करने का बहुत शौक है. तो मैं अपने कजिन्स के साथ खेल रही थी एंड हम लड़ने लग गए. नॉटी थे हम, शरारतें कर रहे थे, हम लड़ने लग गए एंड मेरी एक कज़न ने मेरे को पुश कर दिया एंड आई बैंगड अगेंस्ट अ स्विंग एंड इट हैड अ थिक कील ऑन इट, मतलब बहुत शार्प कील थी एंड इट वेंट इनसाइड माय चीक.
तो पता नहीं वो चीक के अंदर गई, उसने क्या डिस्प्लेस किया, इट टर्नड आउट इनटू अ डिम्पल, एंड अभी ये डिम्पल जैसा लगता है बट इट इज़ नेचुरल, ये नेचुरली लगा है मुझे, एंड ये चोट है, दिस इज़ नॉट अ डिम्पल बट इट सीम्स लाइक अ डिम्पल। सो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये क्या है तो मैं ये बोलती हूँ कि ये मेरा ब्यूटी मार्क है एंड इट्स अ डिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट सिंगर? यार आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर फेवरेट सिंगर बिकॉज मैं बहुत अलग अलग टाइप के गाने सुनती हूँ। मैं पंजाबी भी सुनती हूँ, मैं स्लो सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, मैं हिंदी सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, बस मैं इंग्लिश नहीं सुनती, बाकी मैं सारे गाने सुनती हूँ। मैं हिंदी, पंजाबी, स्लो, लव, फास्ट, रैप सब सुनती हूँ। तो आई वुड से कलविंदर, आई रियली लाइक कलविंदर, आई लव हिज वोकल्स। इफ आई टॉक अबाउट स्लो सॉन्ग्स, प्यारे गाने, देन आई वुड से आई रियली लाइक अरिजीत सिंह, ऑफ कोर्स। आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ, लव दिलजीत्स म्यूजिक, आई लव हिज म्यूजिक, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ किशोर कुमार सॉन्ग्स। मतलब मेरे को उनके गानों से इतना प्यार है, इतने प्यारे गाने हैं, मतलब the way he sings, the way he feels the song while singing, I just love his vocals. So Diljit Dosanjh, Kishore Kumar ji, Kalvinder and Arijit Singh. Next question, you never replied me on my fan page of yours, why? See, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज इन दिस बिकॉज मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते, आप हमारे मैसेजेस नहीं देखते, आप दूसरे अकाउंट को रिप्लाई कर देते हो, हमें नहीं करते। सो कुछ पार्शलिटी नहीं है गाइज, बट मेरे पास जो जो बिकॉज मेरे डी एम में हर रोज़, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट एवरी डे आई ऑलमोस्ट गेट मोर देन 100 मैसेजेस, हर रोज़ के मोर देन 100 मैसेजेस, एंड आई barely go through my DMs because itne DMs aate, it is very hard for us to manage and go through all of them, so it is my team who goes through it. So bahut mushkil se jo jo hame upar dikh jate hain hum unko reply kar dete hain. Aisa kuch nahi hai ki hum kisi ko particularly reply nahi karte, ya fir bahut log poochte hain ki aap kyun nahi karte ho reply. So there's no reason behind it, it's just that ki jo hame upar dikhta hai hum unko reply kar dete hain. So par jitna bhi I'll try to रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड मैं अपने हर एक फैन पेज को तो ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ ही करूँ, बिकॉज यू गाइज आर द वंस हैव मेड मी हु आई एम टुडे, एंड आप लोग ही मुझे बनाओगे फ्यूचर में जाके भी, एंड आपके प्यार एंड सपोर्ट से ही मैं हूँ जो भी हूँ. सो आप लोगों को तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इग्नोर नहीं कर सकती, जस्ट दैट कि जो जो ऊपर आता है मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, एंड जिनका मैसेज मुझे नहीं दिखता या मेरी टीम को नहीं दिखता तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, and I'll try to go through my messages oftenly now. Next question, how do you guys get into so many dance workshops? Dance workshops mein jana to bahut simple, it's paid dance workshops, you need to pay, and you once you pay, you register yourself, you can go into the dance workshops. Zaruri nahi hai ki aapko Bombay jana hai uske liye. Dance workshops Delhi mein bhi hoti hain, Chandigarh mein bhi kabhi kabhar hoti hain, Chennai mein bahut hoti hain, Bangalore mein hoti hain, बॉम्बे में तो होती हैं, बॉम्बे इज़ द हब. सो फॉर गेटिंग इन टू डांस वर्कशॉप्स यू नीड टू पे, यू पे द फी, यू रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू गेट इन टू देम, दैट्स इट, सो सिंपल. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, व्हाट इंस्पायर्स यू टू वर्क हार्ड? माय डिजायर्स, माय गोल्स, माय पैशन टू अचीव माय ड्रीम्स इज समथिंग दैट इंस्पायर्स मी टू वर्क हार्ड, बट सबसे बढ़ के that inspires me to work harder my parents. मेरे parents का sacrifice मेरे लिए, मेरे parents की मेहनत मेरे लिए. So सबसे पहली चीज़ जो चीज़ मेरे को inspire करती है work hard करने के लिए, वो मेरे parents. That is something that inspires me the most into working hard. And then comes the other things like my desires, my wishes, my aspirations, all of that comes after. पहले parents. Next question, your skin and hair care routine. Very commonly asked question, बहुत पूछा जाता है कि आप अपने स्किन केयर में क्या लगाते हो, अपने हेयर केयर में क्या लगाते हो. मैं सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज लगाती हूँ,
अपने बालों पे भी, अपनी स्किन पे भी. मैं मेरी जो स्किन केयर रूटीन है जस्ट कंसिस्ट्स ऑफ क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. दैट इज इट. आई डोंट यूज एनी सीरम, आई डोंट यूज एनी एक्स्ट्रा क्रीम, आई डोंट यूज एनी आई ब्राइटनिंग क्रीम, नथिंग. आई अप्लाई बेसन हल्दी का पैक, आई अप्लाई कॉफी पैक, आई अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन माई फेस, आई अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन माई हेयर. फॉर हेयर आई अप्लाई दिस मेथी दाने का पैक विच इज वेरी गुड फॉर योर हेयर. सो अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज भी चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल अपडेट इट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई लेट यू गाइज नो अबाउट द ऑल द रेसिपीज दैट आई अप्लाई ऑन माई स्किन एंड माई हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरी क्लासमेट ने मुझे भेजा है. बिकॉज ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी दे देती हूँ उस क्वेश्चन को बताने से पहले. सो वी हैव दिस इंडिपेंडेंस डे कॉम्पिटिशन इन आर स्कूल, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन. एंड उसमें हमारा जो हाउस है विच इज़ वैलोर येलो हाउस, ने डांस परफॉर्म करना है एंड हमारे डांस प्रिपेयर्ड नहीं था. तो वी टॉक टू आर हाउस इंचार्ज, उन्होंने बोला कि आप खुद से प्रिपेयर कर लो. एंड आई वॉज द ओनली वन जिसको बहुत प्रोफेशनली डांस आता है. तो एवरीबडी सेड कि सेजल कोरियोग्राफ करवा देगी. आई वॉज लाइक ओके मैम. आई एम अ वेरी ओबीडियंट किड एट स्कूल. मैं टीचर्स से कभी मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कभी उनको आंसर बैक नहीं किया, मैंने कभी उनकी किसी चीज़ को मना नहीं किया. सो आई वॉज लाइक ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम कहते हैं आई एम रिलाइंग ऑन यू एंड आई ट्रस्ट यू विल बी एबल टू डू इट. आई वॉज लाइक ओके मैम. बट इट्स नॉट दैट कि मैंने अकेले ने पूरी कोरियोग्राफी बनाई है. द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हेल्प मी इन सजेस्टिंग अ फ्यू स्टेप्स इन बिटवीन. बट या सो दिस इज द बैक स्टोरी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पे जो डांस होना है एंड अभी जो कॉम्पिटिशन है इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, उसमें कोरियोग्राफी बन नहीं पा रही थी बिकॉज हमारी जो डांस टीचर थे वो बिजी थे बाकी हाउसेज के साथ. सो हमने खुद से बनाया है वो कोरियोग्राफी वैलर हाउस वाले बच्चों ने. सो मेरी क्लासमेट ने क्वेश्चन भेजा है, सभी बच्चों को कोरियोग्राफी करवा के आपको कैसा लग रहा है? बहुत टीचरली वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल टीचर्स की और आप सब बच्चों की कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने टैलेंट को अपने टैलेंट को दिखाने का. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई होप वी विन, फिंगर्स क्रॉस्ड. And I do not disappoint the class in charge, you guys, and the whole school, and the whole ballot house. All right, the last question for today. So there are a lot of other questions, but itne sare questions ko mere liye reply karna possible nahi hai. So I'll make a part 2 also, jisme main baaki questions le lungi. सुन, ऑलराइट. सो द क्वेश्चन इज, आप अपनी डाइट कैसे मेंटेन करते हो? डाइट, मैं सब खाती हूँ. आई ईट एवरीथिंग. मैं जंक फूड भी खाती हूँ, मैं घर का खाना भी खाती हूँ. बट व्हेन आई से आई ईट एवरीथिंग, आई मीन आई ईट एवरीथिंग. जस्ट द थिंग इज कि खाना टेस्टी होना चाहिए, मेरे टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए. मैं सब खा लेती हूँ. And you should know कि कितने proportion में खाना है. Always eat 30% less than how much hunger you have. अगर आपको इतनी भूख है तो इतना खाओ. थोड़ा सा let your stomach rest and it will be easier for your stomach and your body to digest the food. So maintaining my diet, I eat everything, but I have specific days on what I eat on what day, and I eat in proper proportion. मैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना खाती हूँ. दैट इज़ हाउ आई मेंटेन माई डाइट. ऑलराइट गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल. एंड आप लोगों के जो भी और क्वेश्चंस हैं आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. आई विल मेक श्योर कि आई गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँ आपको. कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन ऑलवेज जॉट डाउन योर क्वेश्चंस. एंड मैं अगर नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगी तो आप मेरे को उसमें भी भेज सकते हो या फिर यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल ट्राई टू गो थ्रू ऑल ऑफ योर मैसेजेस. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए. एंड आई होप सो कि अब मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट हो गया है थोड़ा रेगुलर होना.
बिकॉज इम्पॉर्टेंट हो गया थोड़ा रेगुलर होना, आई हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक नाउ. सो या, सो दैट इज इट, एंड आई विल सून 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 अपलोड अ न्यू वीडियो. तब तक मुझे आइडियाज दो वीडियोज के, एंड आई ट्राई टू फुलफिल योर गाइज रिकमेंडेशंस. सो या, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.